ये सारी बातें आपके सामने रखनी पड़ती। आप लोगों ने दिल्ली के भी 2014 में हम लोगों की सरकार बनाई है, और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी बात कोई गलत हो अखबार के पन्नों पर लिखिएगा, मेरी गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा याचना कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की। 2014 में आप लोगों ने सरकार बनाई है हम लोगों की, नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री आपने बनाया, बहन भाइयों हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। खेल तरीके भी यदि कोई ऐसे होंगे सज्जन जो यदि बाहर होंगे विदेशों में काम करते होंगे उनसे पूछ लीजिए, दुनिया के दूसरे देशों में भारत के प्रति धारणा बदल चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अर्थशास्त्री इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि दुनिया में किसी देश की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमारे और आपके देश भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा यह भारत दुनिया के जो टॉप के 10 देश होते हैं, टॉप 10 कंट्री, उनमें 2014 में नए स्थान पर था, आज उछल कर रहे भाइयों को छठे स्थान पर पहुंच गया है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आप अगले ही वित्तीय वर्ष में देखिएगा जनवरी के बाद हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा, और वह दिन दूर नहीं है 2030 आते आते हमारा ये भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाए। भारत के बारे में दुनिया में धारणा बदल गई, भारत पहले केवल गरीब देशों में किया जाता था, कमजोर देशों में किया, भारत का कमजोर देश नहीं रहा है मेरे बहन भाई, भारत ताकतवर देश बन गया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने सेना के जवानों का, अपने सुरक्षा के जवानों का, जब किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखे। आपने देखा 1.5-2 साल पहले की घटना है, यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वहां से आतंकवादी आकर रात को सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर कहरामा हमला करके हमारे 70 जवानों की जान ले ली। प्रधानमंत्री जी हम 2-3 लोगों के साथ बैठे, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद आपने देखा होगा हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर उनका सफाया करने में पूरी तरह से काम किया। ऐसा वैसा भारत नहीं है। आतंकवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है भाइयों, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, आतंकवाद पैदा हो रहा है तो पाकिस्तान की धरती से पैदा हो रहा है, आतंकवाद को ताकत भी पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन उसी पाकिस्तान की धरती पर चीन के दूतावास पर हमला हो जाता है आतंकवादियों का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करियाली आंसू आते हैं, कहते हैं बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं कि सचमुच यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं, यदि अपने दमखम पर नहीं कर सकते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों का भी, भारत का भी वो सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, आतंकवाद का सफाया करने में भारत भी सहयोग करने को तैयार है, क्यों नहीं सर आप हमारा सहयोग प्राप्त करते, हम लोग सहयोग देंगे आपको। और यहां तक आतंकवाद का सवाल, कांग्रेस की भी हुकूमत आपको मैं देखी होगी भाइयों, पिछले 3 दिनों में 14-15 आतंकवादियों का सफाया करने में हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों ने कामयाब किया। नक्सलवाद का भी यहां तक सवाल है, जो नक्सलवाद 90 दिनों में फैला हुआ था 2014 में, आज सीमित करता राज्यों तक आगे आ गया लोगों, 60% नक्सलवाद हिंदुस्तान की धरती से समाप्त हुआ है। भारत का गृहमंत्री होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं 3 से लेकर 5 वर्ष के अंदर ही नक्सलवाद का हिंदुस्तान की धरती से पूरी तरह से सफाया हो गया।
पूर्वता उग्रवाद भी, आए भी लोगों की हत्या होती थी, सामूहिक रूप से हत्याएं होती थी, उसमें भी 80-85% की कमी आई है, तेजी से उसमें गिरावट हुआ। भारत आगे बढ़ा। ऐसे ही एक बार सितंबर 2014 में मैं रात को बिस्तर पर लेते लेते टेलीविजन देखा, टेलीविजन पर एक खबर आई कि पाकिस्तान की सेना ने गोली चलाकर, वहां के रेंजर्स बोलते हैं पाक रेंजर्स ने गोली चलाकर हमारे गार्डों से गोली फोर्स के 5 जवानों को मारा। मैंने पूछा अपने गार्डों से गोली फोर्स के महादिवेक्टर से कि मैं क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा सर ये घटना सही है, बहुत ही दुखद। तो मैंने कहा कि हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने कहा था हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा होता क्या है। उन्होंने कहा था सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है पाकिस्तान को यह संदेश देना, अरे पाकिस्तान हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुमसे मिल बैठकर बात करके हम शांति स्थापित करना चाहते। तो मैंने कहा कि तब से परंपरा चली आ रही है। कहता बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। तो मैंने कहा 16 बार झंडा दिखाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा साहब अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आगे क्या सोचा। उन्होंने कहा था 17वीं बार एक बार और झंडा दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा नो, 17वीं बार पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाएगा और आगे के लिए हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर है कि पहली गोली को भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन घर से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। आप भाइयों आपकी बात वैश्विक पटल आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए और इस हकीकत का भी कोई भी पता लगा सकता है। पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, विश्व के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इंजीनियर भरपाल को बोलते हुए मैं सुन रहा और काफी दाताराम जी को भी मैं आश्वस्त होने के बाद भी दाताराम जी ने बोला और मुझे इंजीनियर भरपाल जो आपके प्रत्याशी हैं उनको सुनकर बेहद खुशी हुई। यह नौजवान तेज है, आग है, कर सकता है। करने की तड़पन इसे रहने वालों आप सब बिता दीजिए। एक बार घंटे की चोट पर मैं माहौल जैसा देख रहा हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर जा रहा हूं हमारे धर्मपाल यहां पर जीतेंगे और मैं चाहता हूं कि हमारे धर्मपाल की जीत नहीं होगी बल्कि हमारे दाताराम की भी जीत होगी। दोनों मिलकर साथ चलें, भविष्य में भी साथ चलें। भाई भाई के लिए जिन कुछ होता है तो दुनिया उसका नाजायज लाभ भी उठाती है। एक दूसरे के लिए हम सब मित्र के भाई बने और मैं आज कहकर जा रहा हूं अब राम लक्ष्मण की तरह आप आगे बढ़िए राजस्थान में। यह मैं अपनी शुभकामनाएं लेकर जा रहा हूं। राम लक्ष्मण की तरह बढ़िए। और यदि राम लक्ष्मण दोनों चलते रहेंगे तो कहिए तो मैं इन दोनों लोगों से तो बाद में संतोष जी से एक मैं वचन ले लू। आप बोलिए ना वचन तो मैं तीनों से चाहूंगा, धर्मपाल से भी, दाताराम जी से भी और संतोष दादावत जी से, तीनों से वचन चाहूंगा। इतनी बात पक्की हो गई अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इंजीनियर धर्मपाल जीतने जा रहे हैं। देखिए एक काम इन
लोगों को यह करना है कि जीतने के बाद 2, 4, 6, 8, 10 महीने में कभी भी जब भी फुर्सत मिले एक बार मुझे फिर से इसी खेतरी की धरती पर बुलाओ। और इस खेतरी की धरती पर आऊंगा तो आपके मुख्यमंत्री को साथ लेकर आऊंगा। और नेहरू भाइयों यदि मैं आऊंगा तो धर्मपाल और दाताराम के गले में फूलों के हार पहनाकर इनका स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, अथवा संतोष अहलावत के गले में फूलों के हार पहनाकर स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। यदि आऊंगा तो यहां की महान जनता के सामने शीश झुकाकर आभार व्यक्त करने के लिए आप सबके सामने आना चाहूंगा। बैठे रहे अभी।